व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। ये देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। लोग आपके आइडिया को गलत बताते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसे सही साबित करके दिखाएं। देखिए, आप लोगों लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, ऐसी पोजिशन, ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी जब लोग आपको बोलेंगे, आप लोग उनके सामने कोई आइडिया रखेंगे कि यार ये मैं करना चाहता हूं, तो वो क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि ये नहीं हो पाएगा, फालतू की बात है, छोड़ दो इसको, कुछ और सोचो। इस तरीके की बातें बोलेंगे। आप लोग किसी को बोलेंगे आईएएस बनना है और यार बहुत टफ है, नहीं बन पाओगे। बहुत से लोग पांच सात उदाहरण आपके सामने रख देंगे निकाल के कि उसने तैयारी करी है, इसने तैयारी करी है, नहीं बन पाया। तो देखिए, हर एक इंसान का अलग अलग तरीका होता है काम को करने का, हर एक इंसान का सोचने का अलग अलग तरीका होता है। तो अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है तो आप लोगों को उसको इंप्लीमेंट करना है। मैं स्टार्टिंग में अपने बारे में बात बता दूं, मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उससे बोला कि यार मेरा पढ़ाने का मन करता है ऑनलाइन, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक यूट्यूब चैनल बना लूँ छोटा सा। तो मैंने कहा पढ़ा दिया करूंगा। तो बोला कि यार कौन देखेगा ये तो बता दे एक मिनट। तो फिर ऐसी ऐसी बातें बोली गई, मतलब एक तरीके से मेरा मन ऐसा हो गया स्टार्टिंग में। मैंने कहा सही बोल रहा है यार, हो सकता है कोई देखे ही ना आगे। पता चला मैं फालतू में टाइम वेस्ट करता रहूं, मैं सोच रहा हूं कि किसी की हेल्प हो जाए थोड़ी बहुत, तो पता चला कोई देख ही नहीं रहा है। मैं लेक्चर भी बना के अपलोड कर रहा हूं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से मेरे माइंड में बात आने लगी। तो फिर मैंने क्या सोचा, यार चलो एक भी देखेगा, दो भी देखेगा, बनाते हैं, चलो ठीक है, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर चीजें आगे बढ़ती चली गई और आज की डेट में जो मना कर रहे थे वो बैठ के लेक्चर देख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग में आपको सब मना करेंगे, कोई काम आप लोगों को नहीं कर सकता यार, तेरे से नहीं हो पाएगा यार, ये तो वो है, ये तो ये है। पर लेकिन अगर आपके अंदर डेडिकेशन है ना, आपके अंदर जज्बा है, तो आप लोग करके निकल जाएंगे। लेकर आप लोगों के सामने दुनिया भर के ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे अगर आंख खोलकर देखेंगे तो इसलिए कोई भी काम करना है, आपका आइडिया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करके दुनिया को दिखाना है कि हाँ हम इसको कर सकते हैं। तो हमेशा अपने चक्षु खुले रखो, हमेशा अपने ऊपर फोकस करो, दूसरे क्या बोल रहे हैं यार वो सब चीजें बात की हो जाती हैं, ठीक है, तो उन पर कभी फोकस देकर नहीं चलना है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं, छोटा सा टेस्ट है आप लोगों के सामने, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में आप लोगों को आंसर बताया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने बात की जा रही है भाभा के बारे में, ठीक है। तो इसको आप लोग बार्क भी आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्मली वैकेंसीज निकलती हैं जो बीटेक है उनके लिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो इसके बारे में देखने को मिलेगा। इसको रिकमीशन किया गया है, इसका मतलब बंद कर दिया गया था। जी हाँ, बंद कर दिया गया था 2009 में, परमानेंटली शट डाउन इसको कर दिया गया था। तो उस टाइम पर फिर इसको अपग्रेड करने के लिए बाद में बोला गया था अपग्रेड करके स्टार्ट किया जाएगा। तो जो रिएक्टर था इसका नाम क्या रखा गया अपग्रेड करने के बाद में, ये आप लोगों को बताना है। पहले जो इसका नाम था वो अप्सरा था, ये आप लोगों को बता देता हूं। तो एशिया का फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर था ये। तो आप लोगों को ये बताना है सेकंड क्वेश्चन में कि जो ये लॉन्च किया गया था 4 अगस्त 1956 में, एशिया का फर्स्ट रिएक्टर जो था यहां पर ये, इसका नाम जो कॉइन किया गया था अप्सरा, ये हमारी कंट्री की किस पर्सनैलिटी के द्वारा इसका ये नाम रखा गया था, न्यूज में, इसलिए आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ट्राइपार्टाइट ट्रीटी एक बोलते हैं जिसमें तीन पार्टी मिलकर काम करती है, ईरान और यहां पर इंडिया दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो इंडिया और ईरान यहां पर चाबहार पोर्ट को डेवलप करके एक तरीके से डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो ये पार्ट, इस पोर्ट में एक और पार्ट है यहां पर, उस तीसरी कंट्री का पार्ट का नाम आप लोगों को बताना है जिसे तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। और ये फर्स्ट ट्राइपार्टाइट मीटिंग हुई थी यहां पर चाबहार पोर्ट को लेकर। चाबहार पोर्ट एक ईरान में पोर्ट है जो कि इंडिया डेवलप कर रहा है और उसके तहत सेंट्रल एशिया से अपने आपको कनेक्ट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। यानी कि यह है यहां पर चाबहार पोर्ट, इसको यहां पर देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल एशिया में हम अपने आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे चाबहार पोर्ट के साथ मिलकर। तो आप लोगों को यह बताना है कि ये कौन सी कंट्री है तीसरी। आगे बढ़ते हैं, थर्टींथ एडिशन आप लोगों को देखने को मिला भी इंडो मंगोलिया ज्वाइंट एक्सरसाइज। तो इंडो मंगोलियन जो ज्वाइंट एक्सरसाइज थी इसका नाम था नोमेडिक एलिफेंट, ठीक है। तो ये 2018 की जो एक्सरसाइज देखने को मिली, तो यहां पर पार्टिसिपेट किया गया इंडिया की साइड से भी और मंगोलिया की जो आर्म फोर्स के द्वारा भी। तो ये जो देखने को मिला यहां पर, ये मंगोलिया में एक रीजन है, उसका नाम आप लोगों को बताना है जहां पर ये देखने को मिला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। बात करते हैं इंडिया और कौन सी कंट्री ने मिलकर, अभी ये लिमोवा बहुत ज्यादा न्यूज में था, जिसको बोलते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लेने का जो साधन, एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, तो उसको लॉजिस्टिक फैसिलिटी बोलते हैं। तो उसमें यहां पर साइन किया जिसके तहत मिलिट्री एक्सेस उसको कर सके, अगर कोई यहां पर सप्लाई होना है, रिपेयर करना है, मान लीजिए उस कंट्री का कोई जहाज यहां पर आ रहा है, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ हो गई तो उसको रिपेयर किया जा सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके, तो उसके लिए कौन सी कंट्री के साथ में लिमोवा साइन किया है और बहुत ज्यादा ये न्यूज़ में था, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। बात करते हैं यहां पर JWST, इसको बोलते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये अभी एक नया टेलीस्कोप लॉन्च करने की बात की जा रही है, ये किसको रिप्लेस करने वाला है, ठीक है, यानी कि किसको रिप्लेस करके यहां पर ये पिक्चर में आने वाला है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, ये है यहां पर जेम्स वेब ये स्पेस टेलीस्कोप, ये जो लॉन्च होना है 2021 में लॉन्च होना है, यानी कि एक दो बार आप लोगों से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्यूचर में, क्योंकि अभी काफी टाइम है इसको लॉन्च होने में।
तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन यहां पर किसका है, नासा का है, इसी के साथ में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, कनाडा की स्पेस एजेंसी का है, एक कंट्री और है जो यहां पर मिलकर काम कर रही है इसके साथ में, उस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है, यानी कि अलग अलग कंट्री की स्पेस एजेंसी मिलकर यहां पर काम कर रही है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने के लिए। तो वहां पर जो अलग जो एक एक्स्ट्रा और यहां पर ये है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग इससे मिलता जुलता है, ALS ये लॉन्च किया गया रिसेंटली कौन सी स्पेस एजेंसी को, जिससे कि यहां पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि पूरी पृथ्वी के अक्रॉस विंड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना, एक तरीके से किस तरीके से हवाएं चलती हैं, किस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये आप लोगों को प्रोवाइड करवाएगा। तो ये किसके द्वारा यहां पर ये लॉन्च किया जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लोगों से या तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, या फिर स्टेटमेंट देखने को मिल सकती है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो बहुत हेल्प आप लोगों को मिलने वाली है अगर आप लोग इनको साथ में करके चल रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं, स्कोर जरूर लिखिएगा, भले ही जीरो क्यों ना हो आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में स्कोर आप लोगों को जरूर लिखना है। आंसर पर नजर डालते हैं, पहले यहां पर बात करते हैं बार के बारे में, तो इसका नाम रखा गया अप्सरा यू, तो यू और ऐड किया गया यहां पर, जो 2009 में बंद हो गया था, चला कब था, 1956 में चला था, अब फिर से इसको रीस्टार्ट किया गया अपग्रेड करके, जो नाम ये दिया गया था अप्सरा, प्राइम मिनिस्टर यहां पर हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहां पर ये नाम दिया गया था। तीन कंट्री में, एक है इंडिया, दूसरा ईरान और तीसरा है अफगानिस्तान, जो कि ट्राइपार्टाइट प्रोजेक्ट चलने वाला है यहाँ पर, ये चाबार को कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर यूज करने वाले हैं ये मिलके। 13th एडिशन ये उलन बतार वाला रीजन मंगोलिया में आप लोगों को देखने को मिलता है, एक बार मैप में आप लोग निहार लीजिए, कनेक्टिविटी बन जाएगी, इससे लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएंगे। ये देखिए बीचों बीच हो गया हमारा प्यारा इंडिया, इसको अगर जूम करेंगे आप लोग तो यहां से आप लोग इसको देख पाएंगे, ये देखिए यहां पर ये हो गया मंगोलिया, मंगोलिया की कैपिटल है उलन बतार, ये देख सकते हैं आप लोग यहां पर, और मंगोलिया बिल्कुल ऐसी एक सैंडविच आप लोगों को नजर आएगा जिस तरीके से नेपाल है, नेपाल सैंडविच किस किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के, मंगोलिया है चाइना और रशिया के, ये बिल्कुल सैंडविच है बीच में, ठीक है, देख सकते हैं दोनों, ये हो गया यहां पर रशिया, ये मंगोलिया, ये चाइना, ये नेपाल और ये इंडिया, तो बिल्कुल आप लोग इसको ऐसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। लिमोवा जो एक्सचेंज था यहां पर, ये यहां पर किया गया इंडिया और यूएसए के बीच में, काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था और काफी न्यूज में भी था, इसकी वजह से रशिया हमसे चिढ़ भी रहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग यूएसए की तरफ को टिल्टेड हो रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि हमारी जो डिफेंस सप्लाई है वो मैक्सिमम रशिया से होती है, तो इसलिए काफी हमारे बीच में एक तरीके से दूरी भी आ गई थी, और आजकल में आप लोग देखते हैं रशिया पाकिस्तान के साथ में भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। अच्छा नाम बताइए वो कौन सी है जो रिसेंटली अभी देखने को मिली रशिया और पाकिस्तान के बीच में, उसका नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग नाम बताइएगा। ओके आगे चलते हैं, यहां पर जो मैंने आप लोगों से JWST के बारे में पूछा था, तो ये यहां पर देखने को मिला हब्बल स्पेस ये टेलीस्कोप है, ठीक है, तो इसको ये रिप्लेस करने वाला है जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है, तो ये इसको रिप्लेस करेगा, जो कि यहां पर नासा स्पेस एजेंसी जो यूएसए की है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा की स्पेस एजेंसी और जाक्सा, यह JAXA ये जापान की स्पेस एजेंसी, तो ये सारी मिलकर यहां पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों से पूछा था, यहां पर लॉन्च किया जा रहा है ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे नजर डालते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, यानी कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, जिससे आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो बात की जा रही है वो इसरो के बारे में बात की जा रही है, गगनयान के बारे में आप लोगों को सभी को पता है, गगनयान हमारी कंट्री में लॉन्च किया जाना है, जिसके थ्रू हमारी कंट्री से जो मैन है यानी कि इंसानों को स्पेस में भेजा जाएगा, 3 पर्सन को भेजने की बात की जा रही है, लगभग यहां पर 7 दिन तक ये स्पेस में रहने वाले हैं, पर ये कब होगा, ये दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा, उससे पहले अनमैन्ड का मतलब क्या है, एक तरीके से ह्यूमनॉइड यानी कि रोबोट वगैरह यहां पर जाएंगे, यानी कि ह्यूमन की जो प्रवृत्ति के एक तरीके से रोबोट वहां पर भेजे जाएंगे, ये एनिमल वगैरह नहीं रहेगा, यहां पर दो लॉन्च किए जाएंगे, यानी कि एक तो दिसंबर में लगभग लॉन्च करने की बात की जा रही है 2020 में, एक जुलाई 2021 में लॉन्च करने की बात की जा रही है, फिर ये कंफर्म कर देंगे कि हाँ अब ढंग से इसको हम लोग लॉन्च कर सकते हैं दिसंबर 2021 में। तो ये एक तरीके से ट्रायल आप लोग बोल सकते हैं, जैसे ऐसे नहीं होता है एग्जाम की आप लोग तैयारी करें तो आप लोग टेस्ट पेपर लगा लेते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के लाते हैं और उनको प्रैक्टिस करते हैं, तो ये उसी तरीके की प्रैक्टिस आप लोग बोल सकते हैं। लगभग 32 जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर प्लांट है अब की बार जो इसरो के, और गगनयान 2 भी इसमें से एक पोर्शन है, जो कि चांद के कौन से पोल पर ये जाएगा ये बताइए आप लोग, ठीक है, ये नॉर्थ पोल पर जाएगा गगनयान 2 या फिर साउथ पोल पर जाएगा, तो ये आप लोग बताइए, काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन एक और बताइए जो कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, चांद के लिए अभी चाइना के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, उसका नाम आप लोगों को बताना है, पहली बात जो उसके अंदर से जो वहां पर रोवर जो निकला है उस रोवर का नाम आप लोगों को बताना है जो कि वहां पर सतह पर घूम रहा है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। आइए आगे बढ़ते हैं,
आगे जो बात की जा रही है ये यहां पर काफी इंपोर्टेंट है, इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। यूएसए ने यहां पर अभी स्टेटमेंट दी है कि इंडिया के साथ में स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, यानी कि एक तरीके से मिलिट्री के जो रिलेशन है वो बढ़ाना चाहते हैं ये, ठीक है, और ज्यादा उसको डिपेंड करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले आप लोगों को देखने को मिला था, हमने जब बात की थी कि रशिया से हम लोग S-400 ये एक तरीके का डिफेंस सिस्टम है, अगर कोई हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ता है तो हम हवा ही हवा में उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं S-400 सिस्टम के द्वारा, काफी इंपोर्टेंट सिस्टम है ये। तो यूएसए ने बोला था कि इसको मत खरीदो, हमसे खरीद लो, तो उस टाइम पर यूएसए काफी गुस्सा हो गया था। तो उस टाइम पर भी कई बातें निकल कर आई थी कि इंडिया किस तरीके से बैलेंस बनाकर चलेगा रशिया और यूएसए के बीच में, तो उसी के तहत यहां पर 81 पेजेस की अभी मिसाइल डिफेंस रिव्यू रिपोर्ट आई है यूएसए के पेंटागन की साइड से, और यहां पर यह बोला गया कि इंडिया के साथ में ये डीप रिलेशन चाहते हैं, स्ट्रेटजिक रिलेशन चाहते हैं इंडिया के साथ में। तो ये देखिए किस तरीके से हम लोग रिलेशन बना पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। पेंटागन ने यह भी बोला है कि न्यू दिल्ली जो है वो की एलिमेंट है जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक पॉलिसी है। इंडो पैसिफिक जब बोला जाता है ना, तो ये तो हो गया पैसिफिक ओशन यहां पर और ये हो गया इंडियन ओशन, तो इंडो पैसिफिक इस वाले रीजन को कैसे हम लोग साथ में लेकर चल सकते हैं, तो उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। तो यूएसए ये बोला है कि इस वाले रीजन में इंडो, वैसे इसको नॉर्मली एशिया पैसिफिक बोला जाता है, पर लेकिन इंडिया के नाम के आगे इंडो लगा के इसको और इंडो पैसिफिक यूज करते हैं, वैसे बोला जाता है एशिया पैसिफिक। इसकी वजह से चाइना चिढ़ता भी है कई बार कि यहां पर एशिया इंडो के बोलते हो, एशिया पैसिफिक बोला करो इसको, वो दिखाना चाहते हैं कि इंडिया भी यहां पर एक अच्छी कंट्री है, एक डेवलप कंट्री है और आपको टक्कर दे सकती है। तो उसी के बारे में कई सारी बातें निकल कर आई है यहां पर, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं इसके बारे में, जैसे S-400 किससे खरीदा जा रहा है, ठीक है, ये तमाम बातें, ये मिसाइल जो डिफेंस रिव्यू रिपोर्ट है अभी किसके द्वारा यहां पर निकाली गई है, इंडिया का इससे क्या कनेक्शन है, तो ये तमाम बातें हल्का सा आइडिया आप लोगों को ओवरव्यू होना चाहिए। आगे बात करते हैं यहां पर, ये बात की जा रही है वाइब्रेंट गुजरात समिट, इसका 9th यानी कि नोवा एडिशन अभी देखने को मिल रहा है जो कि इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहां पर इन्होंने एक टारगेट ये रखा है कि आने वाले टाइम में हम अपनी कंट्री को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब क्या इसका कि अगर कोई बाहर से हमारी कंट्री में आकर बिजनेस करता है तो उसको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगी कि उसको कोई प्रॉब्लम ही ना हो हमारी कंट्री में, यानी कि ऐसा नहीं है कि लाइसेंस लेने में यहां पर दिक्कत हो रही है या फिर कोई एक तरीके से क्लियरेंस लेना है लैंड का उसमें दिक्कत हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने में दिक्कत हो रही है और भी आसपास वाले लोकल एरिया में दिक्कत हो रही है, तो वो सारी चीजों को साइड में यहां पर कर दिया जाएगा। यानी कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है किसके द्वारा तैयार की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है ये। तो जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, ये बेसिकली पर्पज इन समिट्स का यही होता है कि कैसे हम लोग वर्ल्ड को बताएंगे हमारे यहां पर रेड टेपिज्म खत्म हो चुका है, यानी कि आप लोग बिजनेस अगर आकर करेंगे तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से बिजनेस कर सकते हैं आप लोग यहां पर आकर, तो उन तमाम बातों की बात की जा रही है। तो ये बोला गया कि टॉप 50 में आने का टारगेट है हमारा, तो अब आप लोग ये बताइए इस साल की जो हमारी रैंक है वो कितनी है, कितने का जंप हमारा हुआ है कि हम लोग अब टॉप 50 में आने की बात करें, इसका मतलब अंडर 100 हम आ चुके हैं कहीं ना कहीं अगर टॉप 50 में आने की बात करें, तो अभी फिलहाल हमारी रैंक क्या है वो आप लोगों को बताना है। कई बार डिस्कस किया था डिटेल में, तो आप लोगों को बताओगे, अगर नहीं भी बताया तो कल फिर डिस्कस हम लोग कर ही लेंगे। आगे चलता हूं, नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के बारे में बात की जा रही है। इनके द्वारा अभी एक इवेंट यहां पर लॉन्च किया गया है जिसको बोला गया यहां पर इनके द्वारा शहरी स्मृति उत्सव, यानी किस तरीके से शहर जो शहर वाला रीजन है हमारा, सिटीज वाला रीजन है, कैसे हम लोग उसको स्मृति बना सकते हैं, तो उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। ये जो लॉन्च किया गया है ये यहां पर 1 फरवरी से यहां पर 15 फरवरी तक चलने वाला है कंटिन्यू। इसके तहत हमारी कंट्री में दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड जो मिशन है उसके तहत कैसे हम लोग गरीब लोगों को, जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उसको कम से कम कोई ऐसा हम लोग जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या फिर कुछ ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड कराएं ताकि जो लोग हैं वो गरीब तबके की सोसाइटी से ऊपर निकल कर आए, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर निकल कर आए। तो ये काम किया जा रहा है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर के द्वारा। कौन है मिनिस्टर यहां पर जाकर सर्च कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में जरूर रखिएगा। तो ये एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां पर, आप लोगों को बोला जा सकता है डायरेक्ट यहां पर शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम दे देंगे, बोलेंगे सिटीज के लिए है या फिर ये गांव वाले एरिया के लिए है, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। तो ये तमाम क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग आसानी से हल करके ले जाएंगे। तो इसीलिए कहता हूं चीजों को समझा करो, रट्टा मत करो, रट्टा मारोगे तो फिर वहां पे तोते बन जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा एग्जाम में क्या हो रहा है।
बात की जा रही है हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी दौरा कर रहे हैं अलग अलग राज्य का, और वहां पर यह देख रहे हैं कि जैसे अभी रिसेंटली इलेक्शन आने वाले हैं हमारी कंट्री में, जिनको सेंट्रल इलेक्शन या फिर लोकसभा इलेक्शन या फिर जनरल इलेक्शन आप लोग बोलते हैं, किस तरीके से उनको अच्छे से हम लोगों को लेकर चलना है। तो 11 मेंबर का कमीशन हेडेड बाय चीफ इलेक्शन कमीशन, कौन है याद रखिएगा, सुनील अरोरा, ये कंडक्ट कराएंगे इलेक्शन। तो यहां पर इनके द्वारा यह बोला गया है अभी बिहार में कि जो भी आईएएस ऑफिसर या फिर जो भी यहां पर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, खासकर आईएएस के बारे में बात की जाए या फिर जो ठीक पोजीशन पर हैं, उनको ट्रांसफर करने की बात की गई है अगर 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। देखिए नॉर्मली ये माना जाता है अगर कोई आईएएस ऑफिसर वगैरह है, अगर कोई ठीक है, यानी कि अगर कोई सही काम करने वाला है, तो वो कभी भी एक जगह पर 1 या 1.5 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है। अगर कोई चमचा बन गया है गवर्नमेंट का, ओनली वो वहां पर टिक सकता है। तो बहुत सारे चमचे बन जाते हैं जाकर गवर्नमेंट के, और वो वहां पर टिके रहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं, जो काम के लिए आईएएस बने थे स्टार्टिंग में तो जोश में रहते हैं, फिर जाके सिस्टम में रम जाते हैं। तो देखिए ताकि यहां पर इलेक्शन को किसी भी तरीके से फेवर ना किया जा सके और एक इंडिपेंडेंट और पार्शियल इलेक्शन हो और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारा काम यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में आ जाता है कि वो इसको देखे। इसीलिए बोला गया बिहार गवर्नमेंट से जल्दी उनको ट्रांसफर किया जाए जो भी ऐसे ऑफिसर है जो 3 साल से ज्यादा एक जगह पर है यहां पर, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रखेगा, ये पावर इलेक्शन कमीशन के हाथ में जाती है। अगर ये नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन जब पावर लेगा तो सबको यहां पर ट्रांसफर करेगा, जहां जहां पर भी वो चाहे वहां वहां पर कर सकता है। ओके, बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा 6 मेंबर को अभी यहां पर, जो कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई जिसको आप लोग बोलते हैं खासकर, उसको यहां पर अभी गिरफ्तार कर लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया गया है। ठीक है, तो ये यहां पर कंडीशन क्या निकल कर आई है, कंडीशन ये निकल कर आई है अगर इनसे कोई काम कराने के लिए बोलता था ना तो उसके लिए ब्राइब मांगते थे। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर इनको घूस चाहिए पहले, तब ये कोई काम करेंगे। तो वो अभी इनकी फिर किसी ने इनकी शिकायत कर दी। देखिए दोनों ही लोग जिम्मेदार होते हैं, एक तो होता है ब्राइब देने वाला, एक होता है लेने वाला। अगर देने वाला दे रहा है और लेने वाला ले रहा है तो दोनों 50% के साझेदार हैं यहां पर। तो इसीलिए यहां पर ये काफी बुरी कंडीशन है। अगर कहीं पर ऐसा कंडीशन हो तो कोशिश कीजिए कि ब्राइब न दे वहां पर। आइए इसी बहाने से थोड़ा सा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं, क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन जो किया गया था ये 1961 में हमारी कंट्री में किया गया था। हेडक्वार्टर आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा इसका, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, ये आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहां पर इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ये क्वेश्चन बन जाते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी एक तरीके से पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर बात करें कौन यहां पर आज के डेट में डायरेक्टर जनरल है, तो इनका नाम है यहां पर नीलम कपूर। ठीक है, ये इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के यहां पर ये एक पर्सन है जिनको यहां पर अपॉइंट किया गया था, तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बात की जा रही है यहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहां पर अभी कैंसिल कर दी गई है अपनी डेलीगेशन की जो मीटिंग होने वाली थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस यहां पर स्विट्जरलैंड में इसकी मीटिंग होने वाली थी और इसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों को स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिलेगा। आखिर कैंसिल क्यों की गई है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे को अगर खिलौना नहीं दिया जाए तो बच्चा जिद पकड़ लेता है, ये वही बच्चे हैं। इनके द्वारा बोला गया कि जो मेक्सिको के बॉर्डर पर ये दीवार बनाना चाहते हैं, वहां से अगर कोई माइग्रेंट लोग आते हैं इनकी कंट्री में उनको रोकने के लिए, तो यहां पर बजट सैंक्शन नहीं किया जा रहा है इनकी जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा, तो उसी के तहत चलते हुए इन्होंने यहां पर ये ठान रखी है जब तक बजट नहीं होगा तब तक यहां पर शटडाउन चलता रहेगा। तो 27 डे यहां पर हो चुके हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहां पर जाना मना कर दिया गया है। अगर इसकी आप लोग बात करें तो 1971 में इसका गठन किया गया था और जिसको फॉर्मल स्टेटस का दर्जा दिया गया, ये इसको दिया गया यहाँ पर जनवरी 2015 में। इसी के साथ में ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस देकर ये चलती है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट का कोऑपरेट कराकर उसको आगे बढ़ाया जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉलिटिकल, एकेडमिक या फिर अदर किस तरीके से जो ग्लोबल, रीजनल या फिर अलग इंडस्ट्री का जो एजेंडा है उनको आपस में डिस्कस किया जा सके और कैसे हम लोग वर्ल्ड में शांति बनाकर रख सकें, तो इन सब चीजों के ऊपर फोकस देकर यहाँ पर चला जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर जाने से मना कर दिया गया है क्योंकि खस्ता हालत हो रखी है कंट्री की, शटडाउन वहां पर चल रहा है। नेक्स्ट यहां पर एक खुशखबरी है हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री को नए यहां पर ग्रांड मास्टर मिल गए हैं। इनका नाम क्या है, नाम है इनका डी गुगेस। ठीक है, पर लेकिन ये हमारी कंट्री के यंगेस्ट है, वर्ल्ड के यंगेस्ट नहीं है। यहां पर वर्ल्ड के यंगेस्ट कौन है, ये है यूक्रेन के, ये इनका नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि वर्ल्ड के हैं ये। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि रिसेंटली हमारी कंट्री में जो सेकंड बने हैं पर वर्ल्ड के कौन है, तो ये है यूक्रेन के, इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, ये सर्गेई करजिकन। ठीक है, तो इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए जो कि यंगेस्ट हैं हमारी कंट्री के। ये 12 साल 7 महीने और 17 दिन है, कुछ थोड़ा सा ही कसर यहां पर रह गई, थोड़ी ही यहां पर आप लोग देखते हैं 12 साल 7 महीने है, बस कुछ दिन का ही डिफरेंस रह गया जिसमें, वरना ये यंगेस्ट यहां पर बन जाते। ठीक है, फिर भी जो भी है अच्छी बात है, कम से कम कोई निकल के इस तरीके से सामने आ रहे हैं।
नेक्स्ट जो न्यूज निकल के आ रही है आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये निकल कर आ रही है सिक्किम से। हमारी कंट्री में 10% का रिजर्वेशन देने की बात की गई है इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड सेक्शन है उसको। अभी जो बात की गई यहाँ पर सिक्किम से, एक नई न्यूज ये निकल कर आ रही है कि हर एक फैमिली को वन जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी, खासकर अगर कोई इस सेक्शन के अंदर में आता है, यानी कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है उसके ऊपर फोकस देने की बात की गई है सिक्किम के द्वारा। तो आप लोग एक बार मैप में निहार सकते हैं सिक्किम कहां पर है, ये देखिए यहां पर है सिक्किम। तो काफी कुछ स्टेप्स यहां पर इनके द्वारा उठा के चले जा रहे हैं ताकि यहां पर अच्छे से डेवलपमेंट किया जा सके। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है डायरेक्ट वन फैमिली वन जॉब वाली स्कीम कौन से राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है, तो यह सिक्किम। आगे बढ़ते हैं, आगे बात की जा रही है यहां पर श्रीलंका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और बाद में कुछ दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर भी बने, नाम है मैत्रीपाल सिरिसेना। तो इनके द्वारा अभी जो पोस्ट ली गई है वो लीडर ऑफ अपोजिशन यहां पर बन गए हैं श्रीलंका के अंदर में, ठीक है। तो देखते हैं आगे कैसे काम यहां पर चल पाएगा, काफी लंबी रस्सा-कसी के बाद में यहां पर इस तरीके से इनको ये पोस्ट मिली है, वरना पहले प्रेसिडेंट थे, फिर ये हट गए, फिर प्राइम मिनिस्टर बने, फिर वहां से भी हट गए, तो अब जाकर इनको लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट मिली है। आगे चलते हैं, काफी शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा यहाँ पर आंसर दिए गए। तनु प्रिया यहाँ पर आज मैंने आप यहाँ पर नाम है, कल आप लोगों का भी नाम आ सकता है, डेली आप लोगों को आंसर देते रहना है। देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर आज के आंसर हैं इनके। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, ये फर्स्ट पर्सन पूछा था मैंने, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया है, तो ये जूलियस नेरेरे, ठीक है। तो ये थे फर्स्ट पर्सनैलिटी जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। अभी रिसेंटली किसको दिया गया है एक बार और रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, लंबे समय तक याद रहेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। बाकी डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ये जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था, पता होना चाहिए यहाँ पर, जो हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अशोक गुप्ता यहाँ पर इसके चेयरमैन है, आज के डेट में हेड है, इसके बारे में याद रख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर जो चेयरमैन है यहाँ पर FSSAI, ठीक है, तो इसके जो चेयरमैन है यहाँ पर ये प्रीति सुदान, पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये तो पुराना हो गया है। फुटबॉल के जो कोच है हमारी कंट्री के, जिन्होंने अभी यहाँ पर अपना इस्तीफा दिया है हारने के बाद में, तो ये स्टीफन कॉन्स्टेंटिन, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में, ये गीतांजलि के लिए दिया गया था, ठीक है, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है। और इंपोर्टेंट यहाँ पर ये भी है, एशिया का फर्स्ट प्राइज था यहाँ पर ये, ठीक है, तो इसलिए भी यहाँ पर इसकी इंपोर्टेंस है। आगे चलते हैं, क्योंकि उस टाइम पर पता होगा आप लोगों को अंग्रेजों की गुलाम थी हमारी कंट्री, तो तब की बात है यहाँ पर ये। आइए अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर, तो देखते हैं क्या क्या न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो जो सबसे पहली यहाँ पर न्यूज है आप लोगों के सामने, ये निकल कर आ रही है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के बारे में। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, हमारी कंट्री में एक बिल आया था अभी रिसेंटली, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अमेंडमेंट बिल, यानी कि टीचर के एजुकेशन की यहाँ पर बात की जा रही थी, क्योंकि हमारी कंट्री में जो क्वालिटी टीचर हैं उनकी काफी कमी है, अगर आप लोग खासकर गांव वाले एरिया में देखेंगे, क्योंकि जो ठीक ठाक पढ़ा लिखा इंसान होता है वो क्या सोचता है, सिटीज में जाके जॉब करे, फैमिली के साथ अच्छे से रहे, सेम प्रॉब्लम डॉक्टर के साथ निकल कर आती है। तो उसी को थोड़ा सोल्यूशन निकालने के लिए तो राज्यसभा के द्वारा अप्रूवल दिया गया, ऑलरेडी पास कर दिया गया था लोकसभा के द्वारा जुलाई 2018 में ही। ये जो बिल यहां पर है ये अमेंड करेगा यहां पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE एक्ट 1993, तो इसको यहां पर ये चेंज करने वाला है। बिल का एम सीधा सीधा यही है कि किस तरीके से जो सेंट्रल और स्टेट जो इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में, उसमें जो टीचर हैं उनको एक अच्छे लेवल पर हम लोग लेकर आ सकें और इंश्योर करें, ताकि यहाँ पर जो बहुत सारे टीचर्स की जो मतलब एक तरीके से कई बार खाली भी पड़ी रहती हैं और उनको जॉब भी जाए तो एक सिक्योर जॉब मिले। क्योंकि कई बार आप लोगों ने यह भी देखा होगा हमारी कंट्री में जो टीचर हैं ओनली वो नहीं रहते, ट्यूटर टाइप के उनसे पढ़वाते रहते हैं और वे बेचारे वैसे डर में रहते हैं, पता नहीं यार कब निकाल दिया जाएगा, तो उसको भी ध्यान में रखने की कोशिश की जाती है। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में जो कि जिनके पास में पावर नहीं थी अब तक, और वो क्या कर रहे थे, टीचर की डिग्री प्रोवाइड कराते कि हाँ ये जाकर टीचर टीचिंग कर सकते हैं, तो उन सबको भी यहाँ पर देखा जाएगा और अप्रूव किया जाएगा कौन कौन से इसके कंट्रोल में हैं। बाकी बात की जा रही है नेक्स्ट यहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमारी कंट्री में, आप लोगों को बताया तो ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, और आर्टिकल 21A के तहत यहाँ पर ये प्रोवाइड कराई जाती है। पर लेकिन कुछ दिनों पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर नो डिटेंशन पॉलिसी लेकर वो आए थे, यानी कहने का मतलब ये बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, जो कि फेल करने की बात आती थी 5वीं और 8वीं क्लास में। पर लेकिन जब से यहाँ पर ये प्रॉब्लम निकल गई तब से लेकर यहाँ पर जो क्वालिटी है बच्चों की वो काफी डाउन हो गई थी, क्योंकि सबको पता था फेल तो होगा ही नहीं, पढ़ के क्या करना है। और फिर जब 10th या 12th करके जब यहाँ पर वो बच्चे आगे आते थे, जब उनको यहाँ पर कंपटीशन के फील्ड में आना था, तो उस टाइम पर वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते थे, तो काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। अब नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाने की बात यहाँ पर की गई है, इसको चेंज करने की बात की गई कि अगर चाहे टीचर तो फेल कर सकता है, पर हाँ स्कूल से नहीं निकालेगा बच्चे को,
यानी कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा और दूसरा चांस उसको दिया जाएगा, अगर फेल हो गया 2-3 महीने के बाद में फिर से उसको री चांस दिया जाएगा ताकि वो फिर से अपना टेस्ट दे सके। तो वो तमाम बातें यहाँ पर ध्यान में रखी जाएगी। तो अभी जो यहाँ पर ये लाया गया था यहाँ पर बिल, तो हमारी कंट्री के जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया था। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर इसको आगे इंप्लीमेंट किया जाता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जो बिल है ऑलरेडी पास किया जा चुका है लोकसभा में। लोकसभा में बिल नहीं रुकता है कोई भी, रीजन क्या है, क्योंकि पार्टी जो गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी है, पर राज्यसभा में वहां पर वो नहीं हो पाता है। ओके, और बिल एक्ट कैसे बनता है यानी कि लॉ कैसे बनता है, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से फिर प्रेसिडेंट के साइन, या फिर पहले राज्यसभा फिर लोकसभा फिर प्रेसिडेंट के साइन, यानी कि दोनों जगह से पास होने के बाद में प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद में फिर वो एक लॉ बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कैबिनेट अप्रूवल के द्वारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहां पर निकल कर आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर की बात की जा रही है। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2018 निकल गया। पार्लियामेंट में क्या किया गया, यहां पर कुछ ऐसी एरिया है अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के अंडर में नहीं रखा गया है। तो देखिए, अगर शेड्यूल ट्राइब के अंडर में उनको डाल देते हैं तो बहुत सारी फैसिलिटी उनको मिल जाती है, स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, इसी के अलावा जॉब से भी फैसिलिटी मिलती है। तो उसी को चेंज करके कुछ ऐसे एरिया है यहाँ पर जिनको शेड्यूल ट्राइब में डालने की बात की गई है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसके लिए लेकर आया गया है, तो मेन फोकस रहेगा अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है यहाँ पर, उसमें किस तरीके से शेड्यूल ट्राइब को और अच्छे से हम लोग लेकर चल सकते हैं उसके ऊपर फोकस देकर चला जाएगा। एरिया देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश वाला, ये वाला एरिया हो गया, नागालैंड टच करते हैं और इधर हमारा आसाम टच करता है, बाकी जो यहाँ पर दो ही स्टेट टच करते हैं हमारी कंट्री के। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कैसे यहाँ पर जो शेड्यूल ट्राइब है उसको हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं। तो ये यहाँ पर अभी लेकर आया गया और इसी तरीके से यहाँ पर इसके बारे में बात बोली गई है। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रखिएगा, मेनली अरुणाचल प्रदेश के लिए है, क्योंकि जब यहाँ पर इसके अंदर आएंगे तो एससी एसटी के जो बॉयज हैं खासकर और गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन में फैसिलिटी मिलेगी, एजुकेशन में फैसिलिटी मिलेगी तो अच्छे लेवल पर वो एजुकेट हो पाएंगे। और इसी के लिए हमारी कंट्री में एक अलग से स्कूल भी चलाए जाते हैं एकलव्य करके, उन स्कूल का पूरा नाम लिखिए जरा आप, अभी आप लोगों को कल पर से ही पढ़ाया था मैंने, उस स्कूल का पूरा नाम आप लोगों को बताना है, एकलव्य जो मैंने बताया पूरा नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। ट्राइबल बच्चों को एजुकेशन देने के लिए होते हैं, और कितने स्कूल अभी चलाने की बात की गई हमारी कंट्री में, नए खोलने की बात की गई है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, रिवाइज कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अवार्ड्स के बारे में। तो यहां पर जो अवार्ड दिए गए अभी रिसेंटली, आगे बात करते हैं यहाँ पर एक अवार्ड के बारे में, तो जो यहाँ पर बात निकल कर आ रही है 97 आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है यहाँ पर, इनको अवार्ड दिए जाते हैं हमारी कंट्री में, खासकर कौन सी मिनिस्ट्री, ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, जो कि मेनका गांधी जी के अंडर में है। तो 97 जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं उनको अवार्ड दिए गए हैं, और ये जो अवार्ड स्टार्ट किए गए थे ये 2001 में स्टार्ट किए गए थे, नेशनल और स्टेट लेवल पर दोनों पे दिए जाते हैं, ये भी पता होना चाहिए, एनुअल दिए जाते हैं ये भी पता होना चाहिए। जो यहाँ पर नेशनल लेवल सेंट्रल लेवल की जो बात करते हैं 50,000 कैश प्राइज है, और यहाँ पर जो स्टेट लेवल की बात करते हैं तो 10,000 कैश प्राइज है। ठीक है, और इसके नीचे अगर आप लोग और भी यहाँ पर चलते हैं साइड में, तो कैश प्राइज जो यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पर जो अवार्ड दिए जाते हैं, वो अर्लियर पहले 25,000 दिया जाता था नेशनल लेवल पर, अब उसको बढ़ा के 50 कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरह से मोटिवेट करने के लिए, ताकि अच्छे से अपना काम किया जा सके, इसलिए यहाँ पर ये अवार्ड दिए जाते हैं, और काफी फायदा ये पढ़ाते हैं अगर कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है, ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये वर्कर। आइए आगे बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। तो जो नेशनल पार्क है यहाँ पर, यह है गुगामल नेशनल पार्क, गूगल मल नेशनल पार्क, यहाँ पर जो इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1974 यानी कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर दिया गया था, और ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है यहाँ पर मेलघाट टाइगर रिजर्व का पार्ट। ओके, ये आप लोग हल्का सा याद रखते हैं, लोकेशन यहाँ पर आप लोगों के सामने है। इसके अलावा यहाँ पर रेटल या फिर हनी जो बैगर है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट जो ये जो जानवर है इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी अगर बात करें आज जो पॉलिटिकल रिवीजन है आप लोगों का, ये जाकर आप लोग रिवाइज कीजिएगा। ये जो हमारी कंट्री में अभी रिजर्वेशन दिया गया है उसके बारे में आप लोगों को पता ही होना चाहिए। इसके अलावा क्रीमी लेयर क्या होती है, मंडल कमीशन क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सब इसके बारे में डिस्क्रिमिनेशन, ये सब बातें यहाँ पर डिस्कस की गई है। तो काफी कुछ जानने को मिलेगा, कौन कौन से आर्टिकल है यहाँ पर जो कि रिलीजन कास्ट इन सब के बेस पर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, अपॉइंटमेंट वगैरह एम्प्लॉयमेंट वगैरह में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो इन सब के कौन कौन से आर्टिकल है। बाकी मोरारजी देसाई के द्वारा यहाँ पर जो बैकवर्ड कमीशन सेटअप किया गया था उसका नाम क्या है, और ये सारी बातें अगर कोई भी कंफ्यूजन है, क्रीमी लेयर, दुनियादारी, ये सब इसमें डिस्कस किया गया है। तो जाकर आप लोग लेक्चर देखिएगा, लिंक जो है वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और या फिर टेलीग्राम पर भी इसको पोस्ट कर दिया जाएगा। बाकी देखते हैं लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे,
सबसे पहले ये डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसको कंप्लीटली डिजिटलाइज किया जाएगा, यानी कि पेपरलेस यहां पर ये देखने को मिलेगा। सत्यरूप सिद्धांत यहां पर ये पर्सनैलिटी है जो फर्स्ट इंडियन और यंगेस्ट मैन बन गए हैं, जो कि क्लाइंब किया गया इनको अलग अलग पीक्स का, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा चोटी के द्वारा और अलग अलग वोल्केनो पीक पर भी। ओके, बाकी जो दो सैटेलाइट यहां पर लॉन्च करने की बात की गई थी, ये यहां पर था, एक का नाम था क्लामसेट और दूसरे का नाम था यहां पर माइक्रोसेट आर, ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और पीएसएलवी C-44 से लॉन्च करने की बात की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये फर्स्ट लॉन्च अभी हमारी कंट्री में देखने को मिला 2019 में इसरो के द्वारा। बाकी यहां पर जो पर्सनैलिटी का नाम मैंने पूछा था, ये यहां पर आप लोग देखते हैं, यहां पर ये है गांधी पीस प्राइज जो दिया गया इनको 2015-16 15 से 18 के लिए, तो ये है योही ससाकावा, ठीक है, ये गुडविल एम्बेसडर भी यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, और काफी बड़ा रोल प्ले किया है लिप्रोसी को हटाने में, लेप्रोसी यानी के जो कुष्ठ रोग होता है। ओके, याद रखिएगा 125th महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी थी जब यहां पर यह प्राइज लॉन्च किया गया था 1995 में। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर बात की जा रही है, ये यहां पर 460 यानी कि 460 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोग रिपीट इनको करते रहिए, रिविजन करते रहिए, इसलिए लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अगर मिनिस्टर की बात करें यहां पर तो ये है ज्वाल औरब, ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। आइए देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में आज के जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों से पूछे जाएंगे, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। सबसे पहले एक क्विज था आप लोगों के सामने, अच्छे से आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, इसके बाद में जो हम लोगों ने डिस्कस किया इसरो के प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया डिटेल में, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के सामने ये थी मिसाइल सिस्टम के बारे में, किस तरीके से हम लोगों ने रशिया से खरीदने की बात की है और इंडिया और यूएसए के रिलेशन की क्या बात की जा रही है, उन सब बातों में डिस्कस किया। बाकी हम लोगों ने यहां पर जाना 9th एडिशन वाइब्रेंट गुजरात समिट के बारे में, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिली ये देखने को मिली एक जो अभी लॉन्च की गई यहां पर हाउस एंड द अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा एक ये स्कीम, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में पता होना चाहिए अलगजा। नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार में जो बातें की गई उसके बारे में हम लोगों ने जाना। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा यहां पर अभी जो यहां पर गिरफ्तार करने की बात की गई है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो यहां पर जो काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि उनके द्वारा यहां पर ब्राइब ली गई, ठीक है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है यंगेस्ट हम लोगों को ग्रांड मास्टर मिल गए हैं, नाम पता होना चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा यहां पर बात की जा रही है सिक्किम के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है यहां पर जॉब देने के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने देखा यहां पर श्रीलंका के अपोजिशन के लीडर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे हल्का सा पता होना चाहिए बस। आगे बात करते हैं आंसर दिए गए शानदार तरीके से, इसी तरीके से आप लोगों को आंसर देते रहना है। बाकी नेशनल टीचर ये काउंसिल के बारे में हम लोगों ने जाना, क्या क्या बातें की जा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में जाना। नेक्स्ट जो यहां पर इन्फॉर्मेशन थी ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है अरुणाचल प्रदेश के लिए ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। इसके अलावा यहां पर नेशनल अवार्ड की हम लोगों ने बात की, और जो नेक्स्ट है आप लोगों के लिए ये है नेशनल पार्क, और ये था आप लोगों का पॉलिटिकल रिविजन, और इसी के साथ में ये थे आप लोगों के जो क्वेश्चंस के आंसर पूछे थे। आइए अब डालते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर नजर। बात की जा रही है इसरो के बारे में, दो अभी अनमैन्ड स्पेस मिशन लॉन्च करने की बात की गई है, कब कब लॉन्च किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री है यहां पर जिसके द्वारा बोला गया यहां पर यह है श्री हरि स्मृति उत्सव, ये किसके द्वारा लॉन्च करने की बात की जा रही है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को बताना है कौन सी कंट्री के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जाने से मना कर दिया गया है। कौन सी जो यहां पर कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम है यहां पर पवन चामलिंग, ठीक है, जिनके द्वारा वन फैमिली वन जॉब स्कीम लॉन्च की गई है। आगे बात करते हैं S-400 सिस्टम कौन सी कंट्री से खरीद रहे हैं और कौन सी कंट्री इसके खरीदने से चिढ़ रही थी, ठीक है, दोनों के नाम आप लोगों को बताने हैं। बाकी यहां पर पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो नए ग्रांड मास्टर बने हैं अभी, जिनके द्वारा शानदार पर्सनैलिटी है, जिनके द्वारा जो यंगेस्ट हमारी कंट्री के बन गए और वर्ल्ड में सेकंड है ये, ठीक है। इसके द्वारा आप लोगों को बताना है जो यहां पर इनोग्रेल जो इनोग्रेट किया गया, यहां पर एडिशन जो किया गया कौन से नंबर का एडिशन था जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया वाइब्रेंट गुजरात समिट का। तो ये थे टोटल आप लोगों के क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। देखिए थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, 30 मिनट से भी ऊपर चला गया, चलिए कोई नहीं, एंजॉय करते रहिए अच्छे से, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से एंजॉय कीजिए और रिविजन करते रहिए, आसपास सफर रखिए, पानी और पेट पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथिन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।